Thank you. Now, we are going to start today's session. Today's session is actually on the writing module, because writing is known as the one of the most difficult modules for the candidates, because somehow the rules, tips, tricks, as well as the writing styles are very difficult for the students. They do not understand the criterias, they are not able to understand the way the examiners in IELTS expect from the candidates, what are the right ways to write down a task, as well as what are the right strategies which you should apply to exemplate, to give examples, to give details, to provide information in your writing tasks. So today, we are going to handle each and every aspect, each and every query from your side regarding the writing tasks. We are going to follow all the structures. That means, hum log essay bhi karenge aaj, writing task 1 bhi karenge aaj, writing task 1 GT ka bhi aaj hum log is session mein discuss karne wale hain, aur writing task academic ka bhi hum is session mein डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम योर साइड, इट विल बी हेल्पफुल. और जब आपसे पूछा जाए आफ्टर द डिस्कशंस और ड्यूरिंग द डिस्कशंस, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क दोज क्वेरीज और क्वेश्चंस. तब आप मुझसे हर एक चीज़ जो आपके दिमाग में खलबली मचाती है, जो चीज़ आपको कन्फ्यूज करती है, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. ओके, बाय द टाइम आप सुनेंगे और जब आपकी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होगी या आपको कहा जाएगा, तब प्लीज़ आप पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशंस. सबसे पहली चीज़, एज बाय नाउ यू ऑल नो दैट, जब आपका एग्जामिनेशन पेपर जाता है किसी भी एग्जामिनर के पास चेक होने के लिए, तो ये चार चीज़ें हैं जो एग्जामिनर्स चेक करते हैं. सबसे पहले टास्क अचीवमेंट एंड रिस्पॉन्स. देखिए, इसका मतलब होता है कि आपने स्ट्रक्चर फॉलो किया है एसे का या राइटिंग टास्क 1 का. दैट मींस, क्या आपका जो कंटेंट है, जो आपने लिखा है, वो आपसे पूछे हुए क्वेश्चन के साथ मैच करता है? क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं? क्या दोनों स्ट्रक्चर्स, दैट मींस अगर हम टास्क 2 की बात करें, तो दोनों स्ट्रक्चर्स, दैट मींस इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, एज वेल एज कंक्लूजन, और अंदर की स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर पहले, दैट इज बैकग्राउंड स्टेटमेंट, देन रीफ्रेजिंग द क्वेश्चन, देन थीसिस स्टेटमेंट. दैट मीन्स इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर पूरी है या नहीं. इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी पैराग्राफ की स्ट्रक्चर आती है. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक. After that, you are going to give detail of that topic or that point that you are going to choose, as making yourself comfortable in providing the details of that point and converting that point into your body paragraph. Or in the last, you are going to give the example that should be directly related to the point or directly related to the topic that you are going to convert in the body paragraph. दूसरी चीज आती है कोहेरेंस एंड कोहिजन. दैट मीन्स अ कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन होना चाहिए आपके आइडियाज के बीच में. जो पूछा गया है, क्या वही चीज आप बता रहे हैं? क्या आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज दे रहे हैं? लेकिन वो चीजें ऐसे नहीं लगनी चाहिए कि दो दो तीन तीन लाइनें कहीं से उठाकर हमने लिख दी. वो चीज ऐसी लगनी चाहिए कि जो चीज पूछी गई है उसका इतनी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आप जो है वो प्रॉपरली उस चीज को नहीं पा रहे हैं. आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है. एम आई ऑडिबल टू यू एवरीवन? यस सर, यस मैम. ओके मैम, यस मैम. थैंक यू, थैंक यू. देखिए, अगर आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है, इट्स फॉर एवरीवन, अगर ऐसा होता है तो प्लीज अपना कनेक्शन जो है वो चेक कीजिए. ये सभी के लिए है, जहां पर भी कोई डिस्टर्बेंस आए, बिकॉज आई एम हैविंग द हाईएस्ट रेंज ऑफ इंटरनेट, तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है. आप प्लीज ट्राई कीजिए
कि अगर कोई कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है या आपको वॉइस नहीं सुन रही है, रिकनेक्ट कीजिए, आई विल ज्वाइन यू अगेन इन द क्लास और आप सुन पाएंगे मेरी आवाज को प्रॉपरली, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद है आपके पास कि जब हम टाइप्स की बात करते हैं, दैट मीन्स जब हम लेक्सिकल रिसोर्स की बात करते हैं, दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं वोकैबुलरी के। देखिए, हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के साथ रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई मेडिकल फील्ड के साथ कोई टॉपिक आ गया, एजुकेशन के साथ कोई टॉपिक आ गया, टेक्नोलॉजी के साथ, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि हर एक स्टूडेंट अपने पास कुछ खास वर्ड्स रखे हर एक कैटेगरी को लेकर। जैसे कि हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वर्ड्स लाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, राइट, द वर्ड्स लाइक गैजेट्स, एडवांसमेंट, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं जब हमारे टॉपिक्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड होते हैं। अगर हमारा जैसे टॉपिक आ जाए कोई एजुकेशन के साथ, तो उसके साथ बहुत सारी वर्ड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल सिस्टम, एकेडमिक, राइट, और यू कैन से ट्रेंड्स, contemporary era, these are the words that we use in the modern ages of education. तो ऐसी vocabulary आपके पास जो है वो होनी चाहिए। अगली चीज, ये जरूरी नहीं है कि lexical resource में सिर्फ ऐसे words add करें आप जो कि किसी ने सुने ना हो। The words that are used in daily life, for example, essential, significance, electronic, you can say modern or contemporary, ये words भी lexical resource में ही add होते हैं, तो आप use कर सकते हैं। उसके बाद next है आपके पास grammatical range, that means grammatical range का मतलब है there are a number of words that you can use but in a right form, मतलब जहाँ पर आप grammar का वर्ब यूज होगा वहां पर एज अ वर्ब यूज करेंगे, जहां पर कोई वर्ड एज अ एडवर्ब यूज होगा या एडजेक्टिव यूज होगा वहां पर आप उनको उसी तरह से ऐड करें। ग्रामेटिकल रेंज डू नॉट मीन ओनली टेंसेस, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट कम्स अंडर ग्रामेटिकल रेंज। जैसे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। Now, Sumit Sharma, you raised your hand. Yes, you have any query? Is there any query from your side, Sumit Sharma? Okay. I request you to raise your hands only when you have a problem. Yes, Oppo Reno 2. May I know your name, please? Now, these are some mistakes that usually participants or usually the candidates make, but we are not going to do these kind of a mistakes. First of all, not understanding the question well. That means question ko properly padhna nahi, sirf jo hai unhi cheezon ko ek tarike se hum यूज करते जाएं, देखते जाएं और फटाफट से आंसर लिखना शुरू करते हैं। दैट मीन्स हम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ना पढ़ें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस। अगर किसी चीज़ की एडवांटेजेस पूछी गई हैं तो सिर्फ एडवांटेजेस ही लिखेंगे आप। अगर किसी चीज़ की डिसएडवांटेजेस पूछी गई हैं तो सिर्फ डिसएडवांटेजेस देंगे। उसके बाद वर्ड काउंट इम्पॉर्टेंट है। इन टास्क टू 250 वर्ड्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपके 250 से कम वर्ड्स हैं तब भी आप अंडर लेंथ के आपके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आप इतना ज्यादा लिखते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, मोर देन 300 वर्ड्स, तब भी आपके मार्क्स काटे जाएंगे। देन बैड हैंड राइटिंग होना और रॉन्ग स्पेलिंग्स होना, हम ये दोनों नहीं करेंगे। अपने टाइम को प्लान नहीं करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान योर टाइम, बिकॉज वेन यू डू नॉट प्लान योर टाइम, दैट मीन्स या तो आपका कंक्लूजन रह जाएगा या आपके बॉडी पैराग्राफ्स की एग्जाम्पल्स रह जाएंगी। सो try to avoid these kind of mistakes. Then, starting without a plan, plan के बिना, mind brainstorming किए बिना, आप जो है वो खुद अपनी तरफ से जो भी दिमाग में आया वो लिखना शुरू कर दें, ऐसा करने से भी आपके जो points हैं वो weak points हो सकते हैं। Next is, main arguments ना लिखना।
इंट्रोड्यूस किए बिना ही जो है वो एक्सप्लेन करने लग जाना, इंट्रोडक्शन की कमी होना, वो भी नहीं हम करेंगे. रेपिटेशन इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से अनडिजायर्ड थिंग्स फॉर एन एग्जामिनर, जो कि एग्जामिनर्स जब हम एग्जाम पेपर्स चेक करते हैं तो यही चीज हमें सबसे ज्यादा इरिटेट करती है कि एक ही पॉइंट को आप बार बार लिख रहे हैं डिफरेंट वर्ड्स में, तो कहीं ना कहीं ये शो करता है दैट यू आर हैविंग अ लैक ऑफ क्रिएटिविटी. अपने थॉट्स की क्लैरिटी ना होना, जब हम पॉइंट्स दे रहे हैं बॉडी पैराग्राफ्स में तो बिल्कुल सही दे रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी डिटेल्स देने लगे तो हम कहीं और पहुंच गए, हम कुछ और ही एक्सप्लेन करते हैं. सो बाय डूइंग सो यू विल लूज योर मार्क्स. नेक्स्ट, सेम वर्ड को रिपीट करना. कईयों की देखिए स्पीकिंग में भी ये आदत होती है स्टूडेंट्स की कि एक हमारा दो हमारे तीन हमारे फेवरेट वर्ड्स होते हैं एंड वी यूज दोज वर्ड्स अगेन एंड अगेन. So try to use the synonyms of that words, try to replace that those words from another words that are equally important. Hello ma'am. Just a second, let me complete. Consider your hand. Just a second. Thank you ma'am. Uske baad, conclusion. Conclusion is very important. जब भी आपकी क्लोजिंग लाइन जो है वो नहीं लिखी होती है तो जो एग्जामिनर है दे कंसिडर इट एज एन इनकम्प्लीट टास्क. तो कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, नाउ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हाय मैम, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. माय मेन पॉइंट इज व्हिच ग्रामर टेंसेस आर यूज्ड इन द टास्क टू मेनली मोस्टली एंड. ओके, देखिए ये सभी के लिए है. दिस इज द मोस्ट यू कैन से हॉट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए क्या है कि दो तरीके की यूज होते हैं टेंसेस. सबसे पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि कैंडिडेट के टेंसेस कितने स्ट्रांग हैं. ठीक है, पहली चीज, अगर आपके टेंसेस जो हैं वो वीक हैं, आप उलझ जाते हैं, आपको नहीं पता लगता कि मैं हैज लगाऊं, हैव लगाऊं, हैड लगाऊं, कौन सी फॉर्म लगाऊं, तो ये एडवाइजेबल है कि आप पहले दो टेंसेस यूज करें. दैट मींस सिंपल टेंसेस एंड कंटिन्यूअस टेंसेस, इसके बीच में रहिए. अगर आप स्ट्रांग हैं अपने टेंसेस में, अगर आपको ये लगता है कि आई एम वेरी गुड इन टेंसेस और मैं अपना काम अच्छे से निभा पाऊंगा, इसमें मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, तो यू कैन यूज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. इट इज एडवाइजेबल. होता क्या है कि जब आप एकेडेमिक के स्टूडेंट हैं तो इट इज एडवाइजेबल कि आप सिंपल टेंसेज यूज करें इन टास्क वन, बिकॉज इट इज वेरी इजीली और कन्वीनियंट फॉर द कैंडिडेट टू राइट इन सिंपल टेंसेज. जी, दैट इज सिंपल. उसके बाद SRES वाला, उसके बाद जो है, यस, उसके बाद अगर आप टास्क टू की बात करें, देखिए कई बार क्या होता है कि हम पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन करते हैं टास्क टू में. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम कोशिश करेंगे कि एक अगर टेंस हमने उठा लिया है तो प्रेजेंट डिस्क्राइब करने के लिए भी हम वही टेंस का यूज करेंगे और पास्ट डिस्क्राइब करने के लिए भी हम वही टेंस का यूज करेंगे. तो ये एडवाइजेबल है कि आपकी ग्रामर कितनी स्ट्रांग है उसके हिसाब से ही आप उसको उठाएं. ऐसा ना हो कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के चक्कर में अपने मार्क्स जो है वो कम कर लें. ओके, दैट मीन्स जो आपके मुश्किल टेंसेज होते हैं उनसे ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज बनाए जाते हैं. देखिए तीन तरह के सेंटेंसेज हैं. ठीक है, ओके, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. जस्ट गिव मी अ वन सेकेंड. इट्स फॉर सो मच मैम. इट्स ओके, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी वन मिनट प्लीज. देखिए हमारे तीन तरह के सेंटेंसेज हैं. ठीक है, सबसे पहले हैं सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस उनको कहा जाता है जो कि बहुत इजीली बन जाते हैं, जैसे शी इज वेरी गुड, शी इज अ गुड सिंगर. म्यूट योरसेल्फ प्लीज. यू आर अ गुड सिंगर या ही इज अ वेरी गुड सिंगर, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो जो हैं कहे जाते हैं सिंपल सेंटेंसेस. दूसरे जो सेंटेंसेस आते हैं वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस. जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं वो होते हैं जिसमें दो सिंपल सेंटेंसेस हो. दैट मीन्स दो सिंपल सेंटेंसेस मिलके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं.
जैसे शी इज वेरी हैप्पी इज अ सिंपल सेंटेंस. शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज टुडे इज हिज इज हर बर्थडे, दैट मीन्स टुडे इज वेरी हैप्पी एक हो गया, टुडे इज हर बर्थडे वो सेकेंड सेंटेंस हो गया, ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस. एक होते हैं कंप्लेक्स सेंटेंसेस. जो कंप्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं वन प्लस वन प्लस वन और इवन मोर देन थ्री. इसका मतलब क्या है? जो कंप्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसमें दो जो है या तीन जो हैं वो सिंपल सेंटेंसेस जुड़े होते हैं और उनको एक ऐसे तरीके से लिखा होता है कि वो एक सेंटेंस लगे. सो हम जब इन चीजों की बात करते हैं, इन चीजों को टास्क टू में हम लोग ऐड करते हैं, तो सिंपल सेंटेंसेस जो हैं दीज आर वेरी इजी टू राइट डाउन. कंप्लेक्स जो हैं वो उनसे थोड़े से मुश्किल हैं लिखने, सॉरी कंपाउंड जो है, कंप्लेक्स जो है वो सबसे मुश्किल माने जाते हैं. ठीक है, जब हम इन चीजों को लिखते हैं तब इट इज एडवाइजेबल कि अगर आप सिंपल सेंटेंसेस लिखने के आदि हैं या आदत है आपको, या आपको लगता है कि मेरी ग्रामर इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल जो है वो टेंसेस लिखते हैं. इनडेफिनेट टेंसेस जो हैं वो आपके लिए रेकमेंडेबल होते हैं. ठीक है, यस, अगर आपको ये लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी है मेरी ग्रामर या मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ ये काम, तो आप कंपाउंडर कंप्लेक्स सेंटेंसेस लिख सकते हैं. लेकिन मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि अगर आप 250 वर्ड्स लिख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप जो है वो करते हैं ऐसा काम कि सिंपल सेंटेंसेस भी होने चाहिए आपके राइटिंग टास्क में, कंपाउंड सेंटेंसेस भी होने चाहिए, लेकिन कंप्लेक्स सेंटेंसेस भी होने चाहिए. दैट मीन्स एक अच्छा कम्बिनेशन जो है वो होना चाहिए. सिर्फ एक टेंस से, एक मुश्किल टेंस उठा लेने से आपके मार्क्स अच्छे नहीं होते हैं. दिस इज द, आप कह सकते हैं एक तरीके की मिथ है ये कि जितना आप मुश्किल लिखेंगे उतने अच्छे बैंड्स आएंगे, ऐसा नहीं है. एक प्रॉपर कम्बिनेशन होना चाहिए, अच्छा इजी भी लिखा होना चाहिए बीच बीच में, थोड़ा सा मुश्किल भी और ज्यादा मुश्किल भी. एक प्रॉपर ब्लेंड ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर नीडेड फॉर अ गुड बैंड स्कोर. क्लियर नाउ? क्लियर नाउ? शैल वी मूव फॉरवर्ड? यस मैम. यस मैम. वन क्वेश्चन प्लीज. यस मैम, आपने बोला था कि पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों यूज करने हैं टास्क टू में, मैम वो कैसे यूज कर सकते हैं? आपने बोला टास्क वन में और टास्क टू में. मैं बताती हूँ क्या होता है कि टास्क वन में जब हम एकेडमिक की बात करते हैं तो वहां पर ना ईयर्स दिए होते हैं, जैसे 1920 हो गया या 2002 हो गया. तो ऐसे ईयर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, वो साल जो ऑलरेडी बीत चुके हैं. ठीक है, जब हम ऐसे टेंसेस उन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं तब हम पास्ट इनडेफिनेट यूज करेंगे. अगर हम ऐसी प्रेजेंट की बात करते हैं जो टाइम चल रहा है उसके लिए हम प्रेजेंट इनडेफिनेट यूज करेंगे. ठीक है, दूसरी चीज मैम, अगर वो वाला भी टाइम अगर निकल गया कि उसमें भी प्रेडिक्शन मांग रहे हैं कि ऐसा एस्टीमेट है, वो भी पास्ट ईयर में है, तो हम उसको पास्ट में यूज करेंगे या फ्यूचर में लिखेंगे उसको? एस्टीमेट जो होता है वो हमेशा जो है वो दैट मीन्स कि प्रेडिक्शन जो है, जो आप कह रहे हैं प्रेडिक्शन होती है, तो प्रेडिक्शन हमेशा ही उस चीज की जाती है जो नहीं हुआ है अभी तक, दैट मीन्स फ्यूचर. तो उसमें हम मतलब अभी राइट हम कर रहे हैं टुडे में, तो वो प्रेडिक्शन है 2019 और 20 की, तो मैम उसको हम कैसे राइट करेंगे? प्रेडिक्शन 2019 और 20 की नहीं हो सकती है. प्रेडिक्शन जो है वो होती है जो साल आने वाले हैं. That means 2021 classes in a school and वहाँ पे task होता है task one, तो वहाँ पे prediction होते हैं 2019 और 20 के, तो उसमें future में लिखवाते हैं मैं वहाँ पे. No comments on anybody's coaching, लेकिन मैं जो चीज जो है वो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए prediction हम किसी astrologer के पास जाते हैं, example है ये. ठीक है, तो हम उससे क्या पूछते हैं कि क्या होने वाला है? That means, जो हमें नहीं पता है. प्रिडिक्शन का मतलब ही ये होता है, अगर आप गूगल भी करें इस चीज को या आप किसी से पूछें भी, तो प्रिडिक्शन उन चीजों की जाती है जो ऑलरेडी हुई नहीं है, होने वाली है. अंदाजा ना मैम, अंदाजा मतलब.
अंदाजा, अंदाजा होता है एक तरीके का, हम लगा सकते हैं, वो इन चीजों का लगा सकते हैं जो हुआ नहीं है, जो हो चुका है उसका अंदाजा क्या होगा। मैम जो उनका कंटीन्यूअस टेंस है बिल्कुल, ये हाँ जी, कभी कभार यूज होता है, हमेशा यूज होता है कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस टेंस जो है वो उस चीज का यूज होता है जब कोई चीज चली आ रही है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि मैं गिटार बजाना सीख रही हूं, रहा है, री है, रही है ना, चल रहा है। यस जी, ओके ओके मैम, मतलब ना कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज बहुत होते हैं हम टेंसेस के अंदर ना, इनके कारण ही मतलब मैम बैंड्स कम हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका एक सेशन जो है सभी का वो ग्रामर का हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम व्हेन एंड टाइमिंग वो मैं आपको बता दूं, हम आगे चलें। हेलो, थैंक यू मैम। हेलो, हाँ जी बोलिए मैम। टास्क वन में मोस्टली हम पैसिव यूज करते हैं सब टाइम, जैसे कि एक मिनट मिस्टर अजीत वर्मा, आप अपना जो माइक है उसको थोड़ा सा दूर कीजिए अपने मुंह से और फिर बोलिए। आपकी आवाज जो है वो सभी को लाउड मतलब हिसिंग वाली साउंड लग रही है, बोलिए अभी बोलिए। मैम जैसे पार्ट वन में हम मोस्टली सिंपल यूज करते हैं ना, सिंपल जैसे भी वो अगर फ्यूचर में पूछते हैं तो हम फ्यूचर में बताते हैं, है ना। तो मोस्टली अगर मैम अगर हम सिंपल ही लिखते रहेंगे अगर हम, तो फिर मैम उसमें बैंड रिड्यूस नहीं हो जाएंगे क्योंकि वो हम एक ही जैसे लिख रहे हैं ना। अगर हम पैसिव में चेंज करके लिखेंगे तो फिर थोड़ा बेटर होगा मेरे हिसाब से। हाँ तो लिखिए, उसमें रोका थोड़ी ना है किसी ने, नहीं मतलब जैसे मैम पैसिव में लिख सकते हैं ना, वैसे बिल्कुल लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं। ये आपका इंडिविजुअल क्राइटेरिया है, हर एक बंदे का एक स्टाइल है, एक तरीका है अपना टास्क लिखने का, ठीक है। अगर आप उसको पैसिव में लिखना चाहते हैं तो आप पैसिव में लिखिए, अगर आप उसको प्रॉपरली, आपको टेंसेस से डर लगता है, आपको लगता है कि मेरी गलतियां ज्यादा होंगी, तब आप उसको सिंपल टेंस में लिख दीजिए, ठीक है। मेन चीज तो ये है कि आपको गलतियां नहीं करनी है। मैम पैसिव कैसे लिखते हैं? ये एक लाइन में नहीं बताया जा सकता है, ये आप उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, पहले मैम बहुत ज्यादा मैम कंफ्यूजन है इस टेंसेस से, जरा प्लीज एक लेक्चर लगाइए साथ में। ओके हो जाएगा, हो जाएगा, अभी हम आगे काम करें प्लीज। यस मैम, ओके थैंक यू। अभी वापस आते हैं टास्क टू पे। देखिए आपके टास्क टू जो है वो बेसिकली फाइव तरह के हैं। सबसे पहले है ओपिनियन एसे। अब ओपिनियन एसे क्या है? ओपिनियन एसेज में एक स्टेटमेंट दी है एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज योर ओपिनियन, एक चीज पूछी उन्होंने। अभी इस चीज में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, दैट मीन्स हम इंट्रोडक्शन में वैसे नहीं यूज करते आई, या हम वी यूज नहीं करते, अकॉर्डिंग टू मी तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है इन टास्क टू। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? I completely agree, or sorry, I in my opinion, in my perspective, ऐसे words आप use करेंगे और आप क्या सोचते हैं उस statement के बारे में आप वो explain करेंगे। Second type है advantages and disadvantages, उसमें क्या है कि advantages में हम लोग जो है वो first body paragraph में एक advantage देंगे, second body paragraph में एक disadvantage देंगे। Third जो है उसमें सिर्फ एक वर्ड दिया होता है स्टेटमेंट के बाद आपको, द वर्ड इज डिस्कस। अभी ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो उसको क्या डिस्कस करना चाहता है। उसके दिमाग में किसी चीज के रीजंस आते हैं, कॉजेज आते हैं, क्यों हो रहा है वो चीज वो आता है, इफेक्ट्स आते हैं, क्या डिस्कस करना चाहते हैं आप इस चीज के बारे में, इट इज अप टू यू। फोर्थ तरह के जो ऐसे हैं, दीज आर नोन एज सॉल्यूशन एसेज। इसमें सिर्फ सॉल्यूशंस पूछे गए हैं, दैट मींस आप रीजंस, कॉजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस कुछ भी नहीं देंगे, आप सिर्फ सॉल्यूशंस देंगे। लास्ट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, ना ही लिखा होता है कि डू यू अग्री और डिसअग्री, ना ही लिखा होता है एडवांटेजेस बताइए, ना ही डिस्कस कीजिए, ना ही सॉल्यूशन, कुछ नहीं लिखा होता। मिसलेनियस, यस मिसलेनियस आप कह सकते हैं, लेकिन आप बीच में नहीं बोलेंगे अभी। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ स्टेटमेंट लिखा होता है एंड यू आर सपोज टू राइट डाउन व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड। नेक्स्ट, अभी देखिए आपके पास ये लिस्ट ऑफ द वर्ड्स है, दीज आर नोन एज कनेक्टर्स और इनिशिएटर्स। इनिशिएटर्स होते हैं जो हम पैराग्राफ के बिल्कुल शुरू में लगाते हैं, कनेक्टर्स होते हैं जो हम आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए लगाते हैं, ठीक है।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं। मैं सबसे पहले अंडरलाइन करने वाली हूँ उन वर्ड्स को जो सबसे पहले, दैट मीन्स इनिशिएटर्स है, जो बॉडी पैराग्राफ के शुरुआत में हम लोग लिखते हैं। दीज आर द वर्ड्स जो हम उसके शुरुआत में लिखते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए लगाते हैं? दीज आर द वर्ड्स, इन माय ओपिनियन। यस, आप देखिए, जैसे द वर्ड्स लाइक, फर्दर मोर, मोर ओवर, इन कंटिन्यूएशन, इन एडिशन टू, आफ्टर दैट, एटसेट्रा। जब हम एक ही ऐसे में दो डिफरेंट चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, दैट मीन्स जब हम एक ही ऐसे में अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, बाय डूइंग सो आप जो हैं वो कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन कंट्रेरी, इन कंट्रास्ट, नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम, ऑन द अदर हैंड, ऑन द फ्लिप साइड। दीज आर द वर्ड्स जो आप कॉन्ट्रेरी के लिए यूज करते हैं। प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट सो दैट वी कैन मूव टू अनदर स्लाइड। नाउ दिस इज द बैंड स्कोर स्ट्रक्चर ऑफ योर टास्क टू। दैट मीन्स टास्क टू जो है वो हम बैंड स्कोर अच्छा लेने के लिए ये स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि तीन पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन है, बॉडी पैराग्राफ्स हैं, कंक्लूजन है। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहली बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट डाउन फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ योर इंट्रोडक्शन सो दैट योर एसे शुड हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड जो है, दैट इज रीफ्रेजिंग ऑफ योर क्वेश्चन। दैट मीन्स हम क्वेश्चन को ही दोबारा लिखेंगे, बट द वर्ड शुड बी डिफरेंट, बट द मीनिंग शुड बी द सेम। मीनिंग सेम रहेगा लेकिन हम वर्ड्स जो हैं वो चेंज कर देंगे। थर्ड पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन इज थीसिस स्टेटमेंट, जिसमें हम ये बताएंगे कि आने वाले बॉडी पैराग्राफ्स में हम क्या लिखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्टेटमेंट से अग्री करते हैं, आपसे पूछा गया है डू यू अग्री और डिसअग्री। आप अग्री करते हैं तो आप लिखेंगे आई कंप्लीटली अग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव। दैट मींस आप अग्रीमेंट के पॉइंट्स देने वाले हैं। अगर डिसअग्री करते हैं आप लिखेंगे आई कंप्लीटली डिसअग्री। अगर आप पार्शियल व्यू रखते हैं, दैट मींस आप अग्री भी हैं, डिसअग्री भी हैं, और आप एक बीच का रास्ता जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। बाय डूइंग सो यू विल राइट डाउन आई पार्शियली अग्री। दैट मींस कि मैं एक पॉइंट जो है वो अग्रीमेंट का देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, एक पॉइंट में डिसएग्रीमेंट का देने वाली हूँ, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। मैम ना, आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपको टाइम दूंगी तब आप प्लीज बोलिए, ओके। उसके बाद है बॉडी पैराग्राफ्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद हम एक लिस्ट बनाएंगे इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स के बाद। उसमें लिस्ट में आप क्या करेंगे, आप एक पहले पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप उन पॉइंट्स के साथ रिलेटेड एक एग्जाम्पल देंगे। अभी क्या है, जब आप इन तीनों चीजों को इलेबोरेट करेंगे तो आपका जो बॉडी पैराग्राफ है वो कंप्लीट माना जाता है। अगर आपने सिर्फ पॉइंट जो है वो लिया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उसको एक्सप्लेन कर दिया और छोड़ दिया, देन दे विल कंसिडर इट एज इनकम्प्लीट बॉडी पैराग्राफ। By doing so, आपके बैंड स्कोर्स जो हैं वो नीचे आ जाते हैं। ऐसे ही हम सेकेंड बॉडी पैराग्राफ लेंगे, सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट लाइन में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड इन द लास्ट वी आर गोइंग टू गिव द एग्जाम्पल। कंक्लूजन में हम एक जिस्ट बना देंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि हम पहले ऊपर क्या लिख के आए हैं, उसके बाद ही हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि सिर्फ इतना कि हमने ये कहा है इसका ये मतलब है, ये दिस इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम कोई भी नया पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करते हैं। एक और चीज,
जब मैं ये कह रही हूँ कि एग्जाम्पल जरूरी है, तो कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे कि हर एक चीज की एग्जाम्पल इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव, राइट? तो 9 बैंड्स हैं आपके, 9 में से 9 की ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द 9 बैंड स्कोर स्ट्रक्चर। अगर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली, अगर आप बाकी स्ट्रक्चर पूरी है तो स्ट्रक्चर की आप 8.5 तक मिल सकते हैं। नाउ एनी क्वेश्चन और क्वेरी? यस सुखप्रीत। मैम, मैंने यस एग्जाम्पल के बारे में जस्ट अ पूछा सेकेंड। था। हाँ जी बेटा, एक 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 टाइम पे एक ही जन बोलिए। यस सुखप्रीत। मैम, मैंने एग्जाम्पल के बारे में पूछना था। आपने मैं ऐसे चेक किए हैं, जैसे मतलब मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी देता हूँ और एयर का भी मेंशन कर देता हूँ, बट तुलविंदर सर ने बोला था कि मेरे जो एग्जाम्पल है वो बहुत वीक होती है, उसमें कुछ डिटेल नहीं दी होती। तो उसको आपने बोला था ना, जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम लिख देना और परसेंटेज लिख देना भी, लोग इतने प्रेफर करते हैं, तो उसे एग्जाम्पल होगी। बट उन्होंने बोला था कि ये बहुत सिंपल है, बहुत थोड़ी सी इनको डिटेल देनी चाहिए, तो मुझे वो नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे डिटेल दें। वो भी हम करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यस मैम प्लीज प्रोवाइड मी द फॉर्मेट्स ऑफ होल टॉपिक्स इन राइटिंग टास्क टू। किस चीज का आपको फॉर्मेट्स चाहिए? मैम फॉर्मेट्स सभी टास्क के ना, मतलब टास्क के जो पॉइंट्स हैं, जो सा जैसे माय ओपिनियन सॉल्यूशन वाले का फॉर्मेट, जो थीसिस में क्या लिखनी है और प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले में, इन सब के फॉर्मेट फॉर्मेट। से आपका क्या मतलब है? मतलब मैम जो उनसे थीसिस होते हैं, थीसिस वो क्या लिखने हैं इनके अंदर, वो चाहिए मीन। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। देखिए ओके कुछ मैम। कोचिंग वाले ऐसा करते हैं, आप अपनी जगह पे सही हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपको 3-4 लाइन्स लिख के दे दी कि अगर ये आ गया तो ये लिख दो, ये आ गया तो ये लिख दो। लेकिन बेसिकली मुझे आयल्स पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए हैं, मैं इस चीज के हक में नहीं हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, जहां पर आप ऐसे लिख के देते हैं ना स्टूडेंट्स को, तो कहीं ना कहीं आप उनकी क्रिएटिविटी को बाउंड कर देते हैं। वो शायद कुछ बहुत अच्छा लिख पाते हैं, लेकिन जहां पर उनको याद किया हुआ लिख देते हैं, दैट मींस उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। ओके होता मैम। क्या है कि आईएलटीएस इज बेसिकली द एग्जामिनेशन टू नो द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है खुद की? अभी एक ही वही लाइन जो है वो आपने लिख दी, वही लाइन जो है वो किसी और ने लिख दी, फिर तीसरे बंदे ने भी वही लाइन लिख दी, तो एग्जामिनर जो है वो हु कैन इजीली जज, ठीक है, इतना इंटेलिजेंट तो एग्जामिनर होगा, उसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होगा, तो वो इजीली जज कर पाएंगे दिस इज अ क्रैम्ड आंसर। उसको वो लोग क्रैम्ड आंसर बोलते हैं, दैट मीन्स पहले का याद किया हुआ आंसर। और इन आइल्स बेसिकली मार्क्स कम होने का एक बहुत बड़ा कारण जो है, दीज आर क्रैम्ड आंसर्स। तो ट्राई कीजिए कि आप इन चीजों से बचें, ना कि थैंक यू वो सो मच चीजों को मैम अपनाएंगे। फॉर द थैंक गुड ओपिनियन। यू, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन और क्वेरी फ्रॉम योर साइड? हाँ जी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम आपने बोला था ना कि एग्री और डिसएग्री, जो आपने पॉइंट बताया कि अगर एग्री हो तो फुल ऐसे एग्री लिखो, अगर डिसएग्री हो तो डिसएग्री, अगर पार्शियल लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने और पूछा है एग्री और डिसएग्री। देखिए क्या होता है डिंपल, पार्शली वाले जो हैं वो अलग ऐसे तो होते नहीं है, कहीं में आपने पढ़ा है कि डिस्कस पार्शली अग्री? नहीं, नो 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 मैम, हाँ, तो होता क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, हमारे पास एक टॉपिक है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो इंडियन कल्चर को खराब कर रहा है, दिस इज मे बी ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी कुछ लोग इस चीज से अग्री करेंगे कि हाँ जी कर रहा है, ये जो गलत बातें हैं जो इंडिया में हो रही हैं, राइट। अभी कुछ जो है, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग जो कहेंगे वो कहेंगे कि नहीं जी, उसका एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है लोगों पे वेस्टर्न कल्चर का। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे मेरे जैसे जो ये कहेंगे कि जहां पर गलत असर है वहां पर सही असर भी है, टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा एडवांसमेंट है जो हमें वेस्ट वेस्ट से मिला है, ठीक है। एक अच्छा लिटरेचर, एक वर्ल्ड लिटरेचर जो है वो हमारे पास वेस्ट से आया है, बहुत सारी चीजें वेस्ट से आई हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक और पॉइंट ऑफ व्यू होगा, दैट इज पार्शियली अग्री। अग्री भी हो सकते हैं, डिसअग्री भी हो सकते हैं, पार्शियली अग्री भी हो सकते हैं।
तो ये आपके ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं. ओके तो आप आराम से ये चीज बिना सोचे समझे ये चीज एडहीर कर सकते हैं कि यस आई एम पार्शियली अग्री, बशर्ते कि आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो जो आप लिख पाए कि पार्शियली अग्री जो है वो आप दोनों पॉइंट्स दे पाए वो दोनों पॉइंट्स. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप एक ऐसे में पार्शियली अग्री होते हैं तो इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट टास्क टू राइट डाउन, सबसे पहली बात. दूसरी बात, जब भी आप एक पार्शियली अग्री वाला पॉइंट लिखते हैं ना तो आपके दोनों पॉइंट्स दैट मीन्स अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट का पॉइंट एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए दोनों पॉइंट्स. अगर कहीं पे भी आप एक दूसरे दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हो जाएंगे देन यू विल लूज द मार्क्स ऑफ कोहेरेंस एंड कोहिजन, कनेक्टिविटी का आपके मार्क्स कट जाएंगे कि वो कनेक्टिविटी आपने खराब कर दी. राइट तो बहुत ही स्मार्टली उस चीज को आपको हैंडल करना हो. ओके मैम अगर वहाँ पे पूछते हैं तो व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, वहाँ पे हम कंप्लीटली लिखेंगे और पार्शियली लिखेंगे और या सम एक्सटेंट लिखेंगे? टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब है अग्री और डिसएग्री, इसका मतलब है कि आप कितना अग्री करते हैं कितना डिसएग्री करते हैं, दैट मींस आप पार्शियली अग्री वाला ही एक्सप्लेन करेंगे. अगर सिंपल पूछा गया है डू यू अग्री और डिसएग्री, दैट मींस आप एक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करेंगे. अगर टू व्हाट एक्सटेंट वर्ड्स आ गए दैट मींस आप दोनों एक्सप्लेन करेंगे. मैम एक आता है एडवांटेज आउटवेट डिसएडवांटेज वाला, उसमें क्या होता है? एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस का मतलब है आपको यस आपको एडवांटेजेस ज्यादा बतानी है डिसएडवांटेजेस. मैम बट बॉडीज कितनी होंगी, बॉडी पैराग्राफ्स? देखिए हम लोग एक मिनट व्हाइट चार्ट पे मैं आपको समझाती हूँ, इट विल बी इजियर फॉर यू. देखिए सबसे पहली बात, हम हमेशा ये लेके चलते हैं कि बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं वो दो बहुत होते हैं. तीन बॉडी पैराग्राफ्स हम तभी बनाते हैं अगर हमारे पास कोई और वे आउट नहीं है. दैट मींस आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है कॉजेस भी दीजिए जी, सॉल्यूशंस भी दीजिए किसी चीज के, और आप जो है वो इफेक्ट्स भी बताइए किसी चीज के. तीन क्वेश्चंस एक ही सेंटेंस में एक ही टास्क में आपसे पूछ लिए, तब क्या होगा, हम जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. अगर हमारे पास फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ की बात हो रही है तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे जी कॉजेस. आगे आ जाओ सेकेंड जो हमारे पास एसे है, सेकेंड बॉडी पैराग्राफ है जो, उसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सॉल्यूशंस. ठीक है जब हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड जो हमारे पास जो आता है बॉडी पैराग्राफ उसमें हम एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने इफेक्ट्स. इन तीनों चीजों को हम अलग अलग बॉडी पैराग्राफ्स में कंप्लीट करेंगे. अदरवाइज अगर आपके पास अग्रीमेंट पूछा गया है, एडवांटेजेस पूछी गई हैं, कुछ भी पूछा गया है, तो हम प्रिफर करते हैं कि हम सिर्फ दो बॉडी पैराग्राफ्स बनाएं. अगली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, आपके पास 250 वर्ड्स हैं, ठीक है 250 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स में ये स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं आपको वर्ड्स का, जिनको भी कंफ्यूजन है कि आपको ये नहीं पता चलता कि कौन से कितने वर्ड्स होने चाहिए आपके बॉडी पैराग्राफ्स में और कितने वर्ड्स होने चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में, दिस इज फॉर यू. 50 वर्ड्स का एक आइडियल जो है वो इंट्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली आगे आगे आते जाइए, लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन है, कंक्लूजन होता है 30-40 वर्ड्स का. इससे ज्यादा बॉडी पैराग्राफ्स जितना बड़ा नहीं होता है जो आपके पास बॉडी पैराग्राफ में 80-90 वर्ड्स होते हैं ना आई गेस. आप बीच में मत बोलिए, कोई भी बीच में मत बोलिए. अप्रोक्सीमेटली आप लोग जो हैं वो 65 जन एक ही जगह पे क्लास लगा रहे हैं, अगर आप सभी बोलेंगे तो मैं कब बोलूंगी. ओके सो प्लीज म्यूट योरसेल्फ, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी तब आप बोलेंगे. कंक्लूजन में 30-40 वर्ड्स हैं राइट, तो हमारे पास जो है वो बचते हैं अप्रोक्सीमेटली 230 वर्ड्स.
जो आइडियल है दैट इज 80 वर्ड्स और 75 टू 80 वर्ड्स यू कैन से 75 टू 80 वर्ड्स का एक बॉडी पैराग्राफ आपका होना चाहिए. ठीक है, वही स्ट्रक्चर जो है वो उसमें फॉलो होती है बॉडी पैराग्राफ टू में. अभी क्या है, ये एक आइडियल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, इससे बढ़ भी सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं. ज्यादा तौर पे जो आपके स्ट्रक्चर के वर्ड्स बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं बॉडी पैराग्राफ्स में. अगर हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की बात करें तो दिस इज द आइडियल वर्ड लिमिट. हाँ, कई बार हमारे जो बॉडी पैराग्राफ वन और बॉडी पैराग्राफ टू को जब हम डिटेल देते हैं या एग्जाम्पलीफाई करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, तो ये बढ़ जाते हैं. लेकिन हम कोशिश करेंगे मिनिमम 250 है, तो मैक्सिमम जो हमारा वर्ड लिमिट है दैट शुड बी नॉट मोर देन 270 और 280 वर्ड्स. दिस इज द मैक्सिमम वर्ड लिमिट. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव अभी, और कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो मैम. यस मैम, आई वांट टू आस्क की हाउ कैन वी राइट अ सर्वे इन द बॉडी पैराग्राफ. इसका एक अलग लेक्चर देना होगा. मैं पहले सुखप्रीत से बात कर चुकी हूँ. यू आर गोइंग टू हैव अ लेक्चर ऑन हाउ टू राइट डाउन एग्जांपल्स. ठीक है, एग्जांपल्स कैसे लिखनी है वो हम एक उसमें डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो वी कंसीडर सर्वे टू बी पार्ट ऑफ एग्जांपल. यस, सर्वेस तो और कहीं लिखे ही नहीं जाते हैं, सिर्फ एग्जांपल्स में ही लिखे जाते हैं. ओके, विल डिस्कस दिस थिंग आल्सो. ठीक है मैम, ग्रामर आल्सो. मैम ग्रामर भी देखेंगे. और कुछ मैम? हाँ जी बोलिए मैम. जैसे स्टार्टिंग में होती है बैकग्राउंड स्टेटमेंट की बात कर रही हैं आप? हाँ जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ. एक्सक्यूज मी मैम. बोलिए बोलिए. हाँ जी मैम, जो राइटिंग टास्क टू है वो एकेडमिक और डीटी का सेम होता है कि कुछ अलग होता है? इसमें कुछ अलग नहीं होता है, दैट इज द सेम टास्क. और एक डिफरेंट जा रही हूँ मैं थोड़ा सा. जैसे मैंने कुछ सुना कि जीटी का अलग रीडिंग अलग आती है उसकी. उसकी जीटी की एक रीडिंग अलग है, एक राइटिंग में राइटिंग टास्क फर्स्ट जो है दैट इज डिफरेंट. ओके ओके. और रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है. जीटी वालों को 8777 चाहिए होती है बैंड स्कोर्स, जबकि एकेडमिक वालों का 6-6.5 से काम चल जाता है. आगे चले, मोस्ट वेलकम. चले देखिए, टास्क देखिए, अभी बीच में नहीं बोलेंगे आप कोई भी जना. मैनी पीपल बिलीव दैट ज़ूज हैव नो पर्पस इन टुडेज वर्ल्ड. बहुत लोगों का ये मानना है कि जो जू है उनको. हेलो मैम. हाँ जी बोलिए मैम. मॉडल्स कैसे यूज कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं मॉडल्स मैम? वुड कुड लाइक मैम वुड कुड. देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी से, आप बीच में ग्रामर नहीं पूछेंगे आज. आपका काम जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 बजने वाले हैं और हम लोग अभी टास्क भी शुरू नहीं कर पाएंगे. ग्रामर आपको एक अलग सेक्शन दिया जाएगा, उसमें आप लोग कुछ भी डिस्कस करेंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है. ठीक है, इन राइटिंग वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ग्रामर, इट्स अ रिक्वेस्ट. अगर हम ग्रामर डिस्कस करेंगे तो हम टास्क कब डिस्कस करेंगे, राइट? ओके मैम, थैंक यू जी. ओके थैंक यू. अभी देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो है, आई एम गोइंग टू म्यूट ईच एंड एवरी पर्सन. प्लीज म्यूट योरसेल्फ्स. यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इन बिटवीन नाउ. यू आर आस्क्ड टू अनम्यूट योरसेल्फ, देन आस्क मी एनी क्वेश्चन. प्लीज लेट मी कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक. थैंक यू. Many people believe that zoos have no purpose in today's world. बहुत लोगों का ये मानना है कि zoos जो हैं उनका कोई purpose नहीं है and should be closed. और zoos को बंद कर देना चाहिए. What problems do zoos bring? क्या problems हैं जो zoos के साथ related हैं? What are the alternatives to zoos if they are closed? कुछ लोगों का ये मानना है कि zoos जहाँ पर जानवरों को रखते हैं, पंछियों को रखते हैं, उन जूज को बंद कर देना चाहिए. ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो जूज के कारण आती हैं और अल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं? अगर जूज को बंद कर दें तो
ऐसे क्या उनकी जगह पर खोला जाए या ऐसा क्या प्रोवाइड किया जाए जिससे लोग जो हैं वो आने वाली स्पीशीज जो है, सॉरी, आने वाले जो लोग हैं, जनरेशंस हैं, वो स्पीशीज के बारे में जो है वो पता कर पाए। सबसे पहले हमें बताना है कि व्हाट प्रॉब्लम्स डू जूज ब्रिंग, दैट मींस कि पहले तो हम बताएंगे एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, फिर हम बताएंगे कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं जूज की, या क्या किया जा सकता है अगर हम जूज को खत्म कर दें। सबसे पहले हम सिर्फ एक दो पॉइंट, दैट मींस हम सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं, दैट मींस व्हाट प्रॉब्लम्स डू जूज ब्रिंग, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो जूज लेके आते हैं, इकट्ठा करेंगे हम दोनों चीजों को। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ टू में हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, क्या खोल सकते हैं ऐसा जूज की जगह पे। दिस इज द बेसिक पॉइंट, ऑल्टरनेटिव, ठीक है, जो जिससे लोग जाएं और एनिमल्स को भी देख लें और ऐसा कुछ जो जूज का एटमोसफियर है वो भी ना हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जूज क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं जूज। यस, क्या काम करते हैं जूज? मैम नॉलेज देते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज के बारे में। ओके, डिफरेंट स्पीशीज के बारे में नॉलेज देते हैं। हाँ जी मैम, और संभाल के रखते हैं वो जनरेशन को जो खत्म हो रही हैं, पर ये एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, द स्पीशीज व्हिच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड एंजॉयमेंट फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई कुड फॉरगेट to know about the different types of animals. आपकी आवाज क्लियर नहीं है परम, क्या कह रहे हैं आप भी बोलिए। About the different types of animals. वो हो गया, प्रिजर्व स्पीशीज करते हैं यही कह रहे हैं आप, और कुछ? For entertain, entertainment, okay. Income source. Yes, entertainment. नेक्स्ट इज इनकम सोर्स है इंसान का, राइट? आप अपना पॉइंट बोलने के बाद म्यूट हो जाया करें प्लीज। नेक्स्ट, एनी अदर पॉइंट फ्रॉम योर साइड्स? हेलो मैम जी, बोलिए बोलिए। हेल्प टू बैलेंस इन द एनवायरमेंट, कैसे? जैसे मैम कोई एक स्पीसीज मतलब कि टोटली क्या हो भी एक्सटेंशन उसकी खत्म हो जाए वो, तो उससे के उसके साथ मतलब कि इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा जो उनकी वो फूड चेन है। दैट इज द सेकंड पॉइंट, प्रिजर्व करती हैं ये स्पीशीज को ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन जो होने वाली है। That is the same thing. Economy of the nation will increase, ma'am. कैसे? ma'am, अगर कोई देखने आता है, zoo में visit करता है, तो ma'am वहाँ पे obvious है कि वहाँ पे charge pay करना पड़ेगा उनको. That is the income source. इसमें आप example दे सकते हैं economy. Okay, ma'am. ma'am, animals safe होंदे हैं zoo से. Okay. Animals की safety होंदी है, ma'am, zoo च. Okay. Safety होती है according to you. Okay. Or safe those animals who are in red line. So that is on the red line is verge of extinction. This is one and the same thing. Second point jo hai, that is the same thing. Aur kuch, aap mein se koi kuch kehna chahta hai isme? Aur kya kaam karte hain zoos? I'm represent kar de apne kisi bhi jidda pa country de vich jidde animals ne. Kaise? कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? मैम जिदा पर इंटरनेशनल कोई भी उन्होंने वैल्यू हैगी या उन्हें कुछ ये पर मैं तो कह सकती हूँ। ओके, रिप्रेजेंट द नेशन। ओके, एनी अदर पॉइंट? मैम प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द रेयर एनिमल्स। ओके,
लोग जो हैं वो वहां पर जाके रेयर एनिमल्स को देख पाते हैं. ओके यस मैम. और कुछ और कोई पॉइंट किसी और के दिमाग में आ रहा है बता सकते हैं आप? क्या क्या काम करते हैं जूस? ओके चलिए अभी हम दूसरी चीज डिस्कस करने वाले हैं. दैट मींस अगर हम जूस को बंद कर देते हैं तो हम क्या क्या जो है ऐसी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो आप जूस की जगह पे यूज कर पाएंगे? हाँ जी हेलो. हाँ जी बोलिए सुमित शर्मा. मैडम ये हम कर सकते हैं कि एनिमल्स जैसे जू में हमें ये नॉलेज मिल जाती है कि एनिमल्स खाते क्या क्या है. ओके जैसे किसी एनिमल्स की क्या पर्टिकुलर खुराक है ये आप एडवांटेजेस में एक्सप्लेन करने वाले हैं. हाँ जी हाँ जी. ओके नॉलेज हमें पता लग जाती है कि ये एनिमल पर्टिकुलर खाता क्या है. ओके और कितनी डाइट है इसकी और कितने दिन में कितनी डाइट खाता है ये हो सकता है. ओके हम लिख सकते हैं कि हाँ जी बोलिए. हैबिटेट ऑफ एनिमल्स डिसएडवांटेज में आएगा कि हम इनको क्या. एक मिनट पहले हम एडवांटेजेस पूरा करते हैं फिर उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस में आते हैं. हम एनिमल्स की डाइट पता कर सकते हैं और उनका हैबिटेट स्ट्रक्चर जो है वो पता कर सकते हैं. और कोई पॉइंट है इसमें? यस मैम. ओके नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अल्टरनेटिव्स. अभी आप बताइए कि अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं अगर हम जूस को बंद कर दें इसकी जगह पे. हाँ जी अब बताइए क्या बताने चाहते थे आप. मैम एक तो मैंने उनकी जिंदगी रोक के रखी हुई है. यस बिल्कुल ठीक है. हम जो है वो कहीं ना कहीं उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट करते हैं. स्लेवरी जो है स्लेव्स बना दिए हैं हमने. राइट सेकंड पॉइंट उनको आजाद उनको घूमने नहीं देते मतलब जंगल में मतलब अंदर ही रहते हैं वो चार दीवारी के अंदर. वो स्लेव में ही आ गया मैम. वो आ गया उसमें. और कुछ मैं उनके लिए जगह भी चाहिए फिर उनको रखने के लिए. यस पर्टिकुलर प्लेस पर्टिकुलर प्लेस. लेकिन हम अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं. हम अल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं. अगर हमने ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्लेव्स हैं वो तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि उनको स्लेव भी ना फील हो. यस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं या वाइल्ड लाइफ पार्क्स जो हैं वो मेंटेन किए जाएं जिससे उनको स्लेवरी भी नहीं होगी क्योंकि वो पिंजरे में नहीं रखते हैं खुले में रहते हैं जो एनिमल्स हैं तो लोग भी जाकर उन चीजों को या इन जानवरों को देख सकते हैं. और कोई अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू यू? और कोई अल्टरनेटिव वाइल्ड लाइफ पार्क्स के बिना कुछ और? मैम ये पॉइंट आ सकता है मैम जिम्मे भी ओना दी फूड चेन दे विच भी इफेक्ट पैंदा है इकोसिस्टम इफेक्ट होंदा ही एदा. उसको अल्टरनेटिव कैसे कहेंगे हम? अल्टरनेटिव का मतलब है जूज बंद कर दिए हमने लेकिन उसकी जगह पे ये खोल दिया लोगों के लिए. दिस इज अल्टरनेटिव. और क्या खोल सकते हैं? मैम फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड. फॉरेस्ट को हम क्लियर नहीं करें. हाँ जी एग्जाम्पल दे सकते हैं. नेचुरल पार्क की एग्जाम्पल दे सकते हैं. नेचुरल हैबिटेट को ही हम एज इट इज रखें ठीक है और लोग जो है वो नेचुरल हैबिटेट्स में ही जाएं. इसकी एग्जाम्पल जो आप देना चाहते हैं दीज आर नोन एज फॉरेस्ट सफारीज. ये कह सकते हैं आप कि फॉरेस्ट सफारीज जो है दीज आर एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स. लोग जो है वो फॉरेस्ट में ही जाएं, जानवरों को बाहर ना लाया जाए. लोग जो है वो फॉरेस्ट में जाकर देख सके कि जानवर एक्चुअली वहां पर कैसे जो है वो रहते हैं. और कुछ? मैम मोर एक्सपेंसिव देन कंजर्वेशन. ये पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो तो नहीं आएगा. वो तो आएगा ही नहीं इसमें. ऑल्टरनेटिव हमें देना है. आपको नहीं लगता कि टीवी में बहुत सारा कुछ आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल नेशनल ज्योग्राफिक जो है नेचुरल इन्फॉर्मेशन जो है ओपन एरिया में होता है ना. देखिए जो नेचुरल इन्फॉर्मेशन है दैट इज थ्रू टेक्नोलॉजी आल्सो. अगर हम फ्यूचर जनरेशन को सिर्फ
आने वाली स्पीशीज के बारे में बताना चाहते हैं वो तो हम उनकी एक्सप्लॉयटेशन किए बिना भी लोग अपने बच्चों को बता सकते हैं, राइट, टेक्नोलॉजी के थ्रू बता सकते हैं. बायोग्राफीज सॉरी डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं. मैम नेचुरल इंफॉर्मेशन कैसे रेलेवेंट पॉइंट है? नेचुरल दैट मींस नेचर की इंफॉर्मेशन. मैम क्या हम म्यूजियम से, हाँ हाँ बोलिए, म्यूजियम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि म्यूजियम में जाके भी तो लोग ये नॉलेज ले सकते हैं ना, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं बट नॉलेज तो सेम मिलता है. नेहा म्यूजियम में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताइए मुझे. म्यूजियम साइंस सिटी जाते हैं, हाँ? जैसे साइंस सिटी जाते हैं वहाँ पे डायनोसोरस के होते हैं बड़े बड़े बनाकर, क्या थी हिस्ट्री उनकी एंड ऑल, वो भी तो नॉलेज मिलती है. देखिए मेरी बात सुनिए, हम जूज को अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, राइट, जूज में लाइव होते हैं ना, देख सकते हैं साइंस पार्क, यस साइंस पार्क, दिस इज साइंस पार्क. अभी हम वापस आते हैं अल्टरनेटिव्स पे, और क्या हो सकता है? बस मैम इतनी हेल्थ आल्सो. चलिए नाउ वी आर गोइंग टू हैव रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस एसे, ठीक है, हम रियल सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि क्या है, क्या कहना चाहते हैं हम लोग. देखिए द प्रेजेंस ऑफ zoos इन our सिटीज एंड towns हैव बीन questioned अ lot रिसेंटली. एक zoos की जो प्रेजेंस है ये एक questionable डिबेट हो चुका है अभी, एंड opinions differ अबाउट whether they provide benefits to people and animals or whether they should be closed. ये एक opinion है जो हर एक इंसान का अलग है, individual opinion है. कईयों को लगता है कि ये beneficial है, कईयों को लगता है कि इसको बंद कर देना चाहिए. Initially we need to think about the negative issues with zoos. क्या है ऐसा जो गलत है zoos के बारे में, जो लोग सोचते हैं कि बंद कर देना चाहिए, वो क्यों सोचते हैं ऐसा? Many people believe it is wrong to take animals out of their natural habitat. ये हमने भी लिखा कि ये गलत है कि हम natural habitat, natural environment से बाहर निकाल दें, put them into cages, उनको cages में रख देते हैं, slave बना देते हैं. They believe that this is cruel. ये एक cruelty का symbol है, ह्यूमन क्रुएलिटी है ये, कि किसी बेजुबान को आप उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से पकड़ते हैं और कुछ जो है वो लोगों को दिखाने के लिए या पैसे कमाने के लिए आप उसको एक केज में डाल देते हैं. एंड इज नॉट डन टू अट्रैक्ट विजिटर्स एज इज ओनली डन टू अट्रैक्ट विजिटर्स एंड मेक मनी. इसके सिर्फ दो ही कारण है, एक तो वो लोगों को उसकी नुमाइश करना चाहते हैं उस एनिमल की, दूसरा उससे पैसे कमाना चाहते हैं. इन एडिशन many people feel that we should not interfere with nature. कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नेचर में हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए. एंड इफ पॉसिबल एनिमल्स शुड बी अलाउड टू स्टे इन देयर ओन एनवायरमेंट. एनिमल्स जो है उनको उनके ही एनवायरमेंट में रहने देना चाहिए. ये जो हो गया प्रॉब्लम्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है ये, क्या प्रॉब्लम्स जो है वो zoos देती हैं. alternatives पे आइए. इन टर्म्स ऑफ alternatives, there are a few options that we have. ये कुछ options हैं, ठीक है. Wildlife parks जो हैं are becoming more popular in today's world. These provide more space for animals and to wander around and they provide a habitat which is more similar to animals' natural homes. Wildlife parks जो हैं जिनको आप wildlife sanctuaries भी बोलते हैं, वो एक नया invention है, zoos से एडवांस आप कह सकते हैं ये होती हैं. यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट में जो एनिमल्स हैं उनको रखा जाता है, केजेस में नहीं रखा जाता, उनको खाना भी प्रोवाइड किया जाता है और वो सेफ भी रहते हैं. अ मोर परमानेंट सॉल्यूशन व्हिच वुड इनेबल अस टू सी एनिमल्स इन द वाइल्ड वुड बी बाय एयरलाइंस टू प्रोड्यूस देयर टिकट प्राइसेस. कहते हैं कि अगर हम जैसे ऊपर से दैट मीन्स एयरलाइंस से या हेलीकॉप्टर से, जैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में ये चीज है कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट्स को देख सकते हैं, वैसे ही जो है वो हर एक कंट्री में होना चाहिए. ये पॉसिबल है अगर एयरलाइंस के किराए जो हैं, टिकट्स जो हैं उनको रिड्यूस कर दिया जाए, तो लोग एक आप कह सकते हैं एयर सफारी के थ्रू इस चीज को, एनिमल हैबिटेट्स को आराम से देख सकते हैं. इफ एयर ट्रेवल वर चीपर देन
वी वुड ऑल बी एबल टू सी वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स. अगर अब तक ये हो गया होता तो हम सभी ऐसा देख चुके होते एंड देयर वुड बी नो नीड फॉर जूज इन आवर सिटीज. तो जूज की जरूरत ही नहीं पड़ती. वी शुड ऑल्सो प्रमोट चैनल्स ऑन टीवी सच एज नेशनल ज्योग्राफिक. हेयर पीपल कैन सी वाइल्ड लाइफ एज इट शुड बी सीन. कुछ टीवी चैनल्स भी हैं ऐसे जो कि फोकस करते हैं सिर्फ एनिमल लाइफ पे. फॉर एग्जाम्पल नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है वहां पर लोगों को ये दिखाया जाता है कि वाइल्ड लाइफ कैसी है, एनिमल्स कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो उनका इंट्रैक्शन होता है. सो सारा कुछ वैसे ही दिखाया जाता है जैसे कि एक कीन आई से एक विजिटर जो है वो देखना चाहता है. एज वी कैन सी दैट मीन्स कंक्लूजन zoos are not the only way for humans to see. zoos jo hai wo sirf ek tarika hai, sirf tarika nahi hai, ek tarika hai. learn about wild animals ke bare mein janne ke liye. if there were no zoos, agar zoos na hote, it would still be possible for scientists and ordinary people to preserve and experience nature. scientists ke paas aur bahut sare zariye hote apni theories ko research karne ke liye, और आम लोग जो हैं उनके पास बहुत सारे तरीके होते कि वो एक एक्सपीरियंस कर पाए नेचर का विदाउट जू. दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर टास्क टू. नाउ एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. हेलो मैम. यस मैम, हम पर्सनल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं ऐसे आई वी? वो हम तब करते हैं जब आपका खुद का ओपिनियन पूछा गया है, तब आप कर सकते हैं. जैसे मैम आपने टास्क टू में यूज किए ना पैराग्राफ्स में वी. क्या पूछा है? इनिशियली वी नीड टू थिंक अबाउट द नेगेटिव इशू विद यू. तो इसको हम उसके अलावा कैसे लिख पाते? हमारे पास उसको है ही नहीं चारा. ओके मैम, प्लीज गिव अ वन लेक्चर ऑन ग्रामर, इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर एवरीवन. मैम बस इसमें आपने जस्ट एक प्रॉब्लम्स एंड एक ही अल्टरनेटिव में आपने डिस्कस किया ना. जी जी जी, आपको लिस्ट नहीं देनी है. दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम टास्क टू. जी दिस इज द प्रॉब्लम विद द कैंडिडेट्स. ये लगता है उनको कि अगर जितने रीजंस आप बताएंगे ना उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे. मुझे नहीं पता कि ये मिथ कैसे है, क्यों है, लेकिन इस चक्कर में और से ज्यादा रीजंस निकालने के चक्कर में स्टूडेंट्स उसको इलेबोरेट नहीं कर पाते या एग्जांपल नहीं दे पाते. तो होता क्या है, मार्क्स कम आते. हमें लगता है कि हमने बहुत सारे रीजंस दे दिए हैं तो मार्क्स उतने ज्यादा आएंगे. दिस इज नॉट ट्रू. मैम मेरे 7 आए राइटिंग दे विच, पर मैंने खुद नु नहीं पता मैं एसेज लिखया कितना सी. टाइम ही है नहीं सी. ये तो on time ही depend करता है, अपने को idea आया तो उन्हें पता. That's a good thing. वो आपके examiner को पता होगा ना कि आपने कैसा लिखा. अच्छा लिखा होगा तभी आपके 7 rank. मैम reading class कब लगेगी? reading class भी होगी as per the schedule. देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने ही class बनानी है और मैं ही आपको deliver कर दूंगी. We are a team, ठीक है? तो हमारे पास मैम आप म्यूट कीजिए अपने आप को, बैकग्राउंड नॉइजेस को नहीं आनी चाहिए मुझे. हां जी एक्सक्यूज मी मैम. जी बोलिए मैम. जैसे इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग लाइन होती है, जनरल लाइन, तो वो लिखना जरूरी होता है? अगर आपको 7 बैंड्स चाहिए या मोर देन 7 बैंड्स चाहिए तो इट इज रियली रियली कंपल्सरी. नहीं पता आपका बैंड स्कोर कितना है, आपको जरूरी चाहिए या नहीं चाहिए. मुझे ये पता है कि अगर आपको अच्छे बैंड स्कोर चाहिए तो आपको जरूरी है, बहुत जरूरी है. राइटिंग टास्क का नाम देखें एकेडमिक वाले. मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं. मैम जनरल राइटिंग टास्क वाला लिखा हुआ ना, हम तो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं. जनरल वाले भी आपके साथ क्लास लगा रहे हैं. हम लोग दोनों का टास्क 1 डिस्कस करने वाले हैं. ओके थैंक यू मैम. मेरा एक डाउट था मैम. मैंने 7 आया मेरे राइटिंग में, पर मैम मेरा टास्क 1 इतना अच्छा हुआ था. अभी मैं ईडीएम भी पाए थे 3 और 4 टास्क 1 में. मैम उसका भी इफेक्ट होता है या टास्क 2 का भी होता है? एक्चुअली सुखप्रीत, होता क्या है कि आपका ज्यादा जो वेटेज है दैट इज ऑफ टास्क 2, टास्क 1 का वेटेज जो है वो कम होता है. अगर हम ये कहें कि 70% आपके मार्क्स जो राइटिंग के हैं वो टास्क 2 के होते हैं,
और 30% मार्क्स जो है वो टास्क वन के होते हैं. ठीक है, ऐसा होता है. दोनों की एवरेज निकलती है. दोनों की एवरेज निकलने के बाद आपका जो है वो एक बैंड स्कोर निकलता है. ग्रामर बहुत डिफिकल्ट है. आपको ग्रामर अपनी इम्प्रूव करनी होगी लवप्रीत. ऐसे हम सिर्फ एक लेक्चर में आपकी ग्रामर जो है उसको हम लोग स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे. दीज लेक्चर्स आर ओनली फॉर 30th अप्रैल, है ना. तो 30th अप्रैल में हमें बहुत सारी चीजें जो है उसको हमको इलेबोरेट करना है. देखिए जैसे yes, मैं सिर्फ राइटिंग करवा रही हूँ तो हो सकता है ऐसे हमें रीडिंग का भी करवाना पड़े, लिसनिंग का भी करवाना पड़े. तो उसमें आई विल ट्राई कि मैं अपनी टीम को कहूँ कि इसमें आप ग्रामर भी ऐड करवाएं. तो बट मैं आपको कोई भी जो चीज़ है वो प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एक लेक्चर में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गिव यू द होल एम्बियंस ऑफ अ प्रॉपर ग्रामर. समझते हैं आप, है ना. तो मैं आपकी रिक्वेस्ट जरूर फॉरवर्ड कर दूंगी. ठीक है, जरूर मैं एक रिक्वेस्ट रीडिंग की भी फॉरवर्ड कर देना कि रीडिंग के लिए स्पेशल क्लास जरूर लगाएं. ओके ओके, और कुछ? थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टास्क वन ऑफ जीटी. म्यूट कीजिए अपने आप को, म्यूट कीजिए. बैकग्राउंड नॉइजेस नहीं. हाँ जी बोलिए मैम. अल्टरनेटिव एक या दो, दो से ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे, है ना. बस एक दे या दो दे जो आपने अभी समझाया. डिम्पल, वाई यू पीपल आर सो कन्फ्यूज्ड. देखिए सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में अगर ऑल्टरनेटिव पूछा है तो एक बताइए, ऑल्टरनेटिव्स पूछा है तो दो बताइए. ज्यादा तो बताना ही नहीं है, कम से कम बताना है. जितना कम आप बताएंगे उतनी गलतियां आप कम करेंगे, जितनी गलतियां आप कम करेंगे उतने मार्क्स कम कटेंगे. सिंपल. ठीक है, थैंक यू सो मच जी. ओके, नाउ अभी हम जीटी सभी मैम राइटिंग टास्क के टॉपिक्स में फॉलो करना पॉइंट. यस, कम से कम बीपी बॉडी पैराग्राफ में कम से कम पॉइंट्स देने. यस, थैंक यू मैम. ओके नाउ अभी जीटी वाले. यस बोलिए बेटा. मैम अभी जो हमने क्वेश्चन किया था टास्क टू, मैम उसमें एडवांटेजेस लिखा था, फिर मैम पता कैसे चलेगा कि हमने एडवांटेजेस लिखनी है कि नहीं. जब बोला गया है तो बेटा लिखेंगे हम. एडवांटेज है कि हम उससे पैसे कमाते हैं. मैंने मेंशन किया कि हम लोग जो है वो इनकम सोर्स है. ये दिस इज एडवांटेज कि ह्यूमंस के लिए ये इनकम सोर्स है, लेकिन ये गलत है. राइट, क्वेश्चन में मैं प्रॉब्लम्स मेंशन की. बेटा प्रॉब्लम्स ही तो बताई उसके बाद कि स्लेवरी है. व्हाई यू पीपल आर सो कंफ्यूज्ड, व्हाई यू पीपल आर सो कंफ्यूज्ड. देखिए चंचल हमने क्या लिखा था उसमें, वापस आइए. ऐसे तो मुझे लगता है हम रात तक यही सेशन चलाने वाले हैं. चलिए देखिए क्या है पूछा उन्होंने, आ जाइए वापस. व्हाट प्रॉब्लम्स डू ज़ू ब्रिंग, क्या प्रॉब्लम्स जो है वो ज़ू जो है वो क्रिएट करती है. प्रॉब्लम्स क्या ज़ूज क्रिएट करती हैं, पहले तो वो ये क्रुएलिटी है. ठीक है, नेचर को इंटरफियर करती हैं हम लोग. ठीक है, और उसके बाद हम लोग उठा के जो है उनको केजेस में ले आते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट से उठा के ले आते हैं. दीज आर द प्रॉब्लम्स, है कि नहीं प्रॉब्लम्स ये. यस मैम, बट यहाँ पे पूछा अल्टरनेटिव, आपने जस्ट एक अल्टरनेटिव दिया है. हमने तीन अल्टरनेटिव दिए हैं. वेयर आर यू. I am in front of my mobile, ma'am. देखिए, okay, देखिए, wildlife parks पहला, this is the first yes, one. Ma'am. Second, yes, ma'am. हमारे पास जो solution है, देखिए, animals in the wild. तीसरा, TV channels. तीन alternatives दे दिए हमने. Okay, ma'am. Clear now? Yes, ma'am. Now we are moving toward the writing task. GT का writing task करने वाले हैं हम. 20 minutes होते हैं इसके लिए. Mute yourselves, everyone. हमारे पास जो है वो 20 minutes होते हैं. आपकी situation जो है वो ये है. पहले situation होती है. After that, we are going to have 3 bullet points. ठीक है? 150 words हमने लिखने हैं. Time limit and the word limit is same for academic and GT. Academic और GT के लिए task 1 के time भी same होता है और word limit भी same होता है. ठीक है?
अभी टास्क वन में लेटर जो है वो ये है, योर कार इज हायर्ड फ्रॉम अ कंपनी, यू हायर्ड अ कार फ्रॉम अ कंपनी एंड व्हाइल यू आर ड्राइविंग ऑन हॉलीडे यू हैव अ स्मॉल एक्सीडेंट। कुछ जो है वो जगहों पर कार्स जो है वो रेंटल ली जाती हैं किसी कंपनी से, आप रेंट पर कार ले लेते हैं ठीक है हॉलीडेज के लिए। तो आपने एक ऐसी कंपनी से एक कार ली जो ड्राइविंग के टाइम पे आप हॉलीडे के लिए, हॉलीडे एंजॉय करने के लिए, ड्राइव करने के लिए आपने वो कार यूज करनी है, और लेकिन उस कार के को यूज करने के दौरान आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। यू विल हैव टू राइट अ रिपोर्ट टू द कंपनी टू एक्सप्लेन इट। अब जिस कंपनी की कार है जो डैमेज हुई है, आपने उस कार कंपनी को एक लेटर लिखनी है। क्या लिखना है आपने? व्हेन एंड वेयर यू हायर द कार, आपने कब कार वहां से रेंट पे ली और कहां से ली, कौन सी जगह से ली। डिस्क्राइब हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, कैसे जो है वो एक्सीडेंट हुआ। व्हाट काइंड ऑफ एक्शन डिड यू टेक आफ्टर द एक्सीडेंट, आपने कौन सा एक्शन लिया उस एक्सीडेंट के बाद, ये आपने एक्सप्लेन करना है। दैट मीन्स दिस इज अ फॉर्मल लेटर, ठीक है। डियर सर से हम शुरू करेंगे। जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि उस इंसान को हम नहीं जानते हैं, तो हम डियर सर और डियर मैडम से हमेशा ही फॉर्मल लेटर की शुरुआत करते हैं। आई एम अ रीसेंट कस्टमर, पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को कि मैं एक रीसेंट कस्टमर हूं ऑफ योर रेंटल कंपनी, आपकी जो कंपनी है जो रेंट पे कार्स जो है प्रोवाइड करती है। हैविंग अ रेंटेड कार फ्रॉम योर डाउनटाउन आउटलेट, डाउनटाउन की आउटलेट है एक जिसका नाम है डिट्रॉइट, वहां से मैंने लिया। द कार हायर्ड वॉज एन इकोनॉमी मॉडल, ये जो कार थी ये एक इकोनॉमी मॉडल था, दैट मीन्स ये एक सस्ते वाला मॉडल था। विच आई रेंटेड फ्रॉम मार्च 21st टू द प्रेजेंट, 21 मार्च से लेकर अभी तक मैंने ये रेंट जो है उस पर चल रही है ये कार। आई वुड लाइक टू रेकमेंड योर कंपनी ऑन देयर प्रोफेशनलिज्म, मैं अभी तक बहुत खुश हूँ कि एक प्रोफेशनल तरीके से कार जो है वो यूज कर रहा हूँ और उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। एंड द सर्विस ऑफर्ड, और जो सर्विस आपकी तरफ कंपनी से मुझे दी गई है दैट इज क्वाइट सेटिस्फाइड। एंड एज मच आई एम श्योर यू विल हैंडल माई इंसिडेंट विद दीज क्वालिटीज, मुझे ये उम्मीद है कि जो क्वालिटी आपने अभी तक मुझे प्रोवाइड की है आगे भी मुझे वही क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी। हुआ क्या है? Unfortunately, I had an unavoidable accident. बदकिस्मती से मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है जो कि unavoidable था, that means जिसको टाला नहीं जा सकता था, involving a aforementioned vehicle and another party, और किसी मेरी aforementioned मतलब जो पहले vehicle के बारे में मैं बात कर चुका हूँ जो कार मैंने rent पे ली है, and another party किसी और की कार के साथ। The accident was caused by the other car. किसी और कार से एक्सीडेंट हुआ। Failing to stop at the red light of the intersection. Crossing पे, red light पे, उनकी जो कार थी वो नहीं रुक पाई। I was passing through, मेरी कार जो थी वो जा रही थी। And as such, a second party collided into driver's side of my automobile. कि उनकी जो कार थी वो रुक नहीं पाई और ड्राइवर वाली साइड पे आके हमारी कार से टकरा गई। कोलाइडेड मतलब टकरा जाना। द पुलिस वर इनफॉर्म्ड इन साइटू, इन साइटू होता है ऑन द साइट, दिस इज द टर्म। पुलिस जो है ऑन द स्पॉट पे बुला लिया गया पुलिस को। वेयर अपॉन दे रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंसिडेंट, उन्होंने रिकॉर्ड कर ली सारी इंफॉर्मेशन एक्सीडेंट को लेकर। एंड अदर ड्राइवर्स इंश्योरेंस डिटेल्स, और उनकी इंश्योरेंस डिटेल्स, ठीक है। द पुलिस एस्टैब्लिश्ड द अदर ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट, पुलिस की तरफ से भी जो दूसरा ड्राइवर था उसको ही रिस्पॉन्सिबल माना गया इस एक्सीडेंट के लिए। एंड द सेकेंड पार्टीज इंश्योरेंस कंपनी हैड बीन इन्फॉर्म्ड, और जो दूसरा इंसान था जो रिस्पॉन्सिबल था उसकी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया गया। I would like to request that a replacement vehicle be offered. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इस कार की जगह पे दूसरी कार रिप्लेस करके दी जाए। While my current vehicle is incapacitated, मतलब वो चलने लायक नहीं है। Once again, I would like to commend your company's professional attitude. मैं फिर भी
और आगे भी ये रेकमेंड करता हूँ कि आपकी जो कंपनी है उसका प्रोफेशनल एटीट्यूड मुझे देखने को मिलेगा. योर सिंसियरली सो एंड सो. दिस इज हाउ यू शुड राइट डाउन योर लेटर, जिसमें आपके तीनों पार्ट्स जो हैं वो कवर हो गए हैं. एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेटर एनीवन? नो मैम. ओके, नाउ दिस इज द टाइम फॉर. हाँ जी पूछिए सुमित सर. मैडम मैं क्या पूछना चाहना कि जिदा इहदे विच लिखा है उदा ही लिखना कि जो साडी खुद दी ओपिनियन असी उदा भी लिख सकते हैं? जो आपकी खुद की ओपिनियन है वो ही लिखना है, ये नहीं लिखना है. ये जो लैंग्वेज है जैसे ये इसमें लिखी गई है वो काफी मतलब थोड़ी मुश्किल है, जैसे कोई कोई सेंटेंस हम भूल भी सकते हैं या कोई प्रॉपर वर्ड है उसे भी भूल सकते हैं. सुमित सर आपको ये याद नहीं करना है. This हाँ, is just जी. जो हमारे माइंड में वो भी लिख सकते हैं ना जो उनको समझ आए. सुमित सर आपको वो ही लिखना है जो आपके माइंड में आए, ये नहीं लिखना है. ठीक है जी, ठीक. जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप देखते हैं, That was only for your idea. आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है. आपको इसको क्रैम नहीं करना, याद नहीं करना है. अदरवाइज आपके बैंड स्कोर्स गिर जाएंगे. वो अच्छे से समझ लेंगे कि ये आपने याद किया है. ठीक है, तो आपको याद तो करना ही नहीं ना, कोई चीज भी याद नहीं करनी. आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अपने शब्दों में अपने विचारों को लिखना है. दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग. ठीक है जी. ओके चले. Now, academic task. This is the academic task. म्यूट कर लीजिए अपने आप को. Academic task जो है ये है एक बार ग्राफ. इनफैक्ट दो बार ग्राफ है आपके पास. दोनों बार ग्राफ जो है वो अलग अलग है. ठीक है, और हम इन दोनों बार ग्राफ्स को कंपेयर करने वाले हैं. देखिए क्या कह रहा है. सबसे पहले दो अलग अलग बार ग्राफ्स हैं हमारे पास. ठीक है, the charts below show the main reasons for study among students of different age groups and the amount of support they received from employers. हमारे पास जो दो बार ग्राफ्स हैं ये दोनों अलग अलग हैं. दैट मीन्स हम दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. दिस इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन. ठीक है, कहना क्या चाहता है. एक जो है वो बताता है reasons for study according to the age of students. इसमें बताए गए हैं reasons कि बच्चे जो हैं वो क्यों पढ़ना चाहते हैं. reasons. ठीक है, this is all about reasons. second जो है हमारे पास this is employer support. उनके जो employers जो हैं that means जहां पर वो job करते हैं या जिनके साथ वो काम करते हैं वो कितनी सपोर्ट करते हैं इन लोगों को. अभी देखिए हमारे पास जो फर्स्ट है, पहले हम फर्स्ट लेके चलेंगे फिर हम सेकंड लेके चलेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा. ठीक है, फर्स्ट जो है दैट इज हमारे पास एज ग्रुप्स दिए गए हैं. अभी एज ग्रुप्स का मतलब है कि अंडर 26 वो लोग जिनकी उम्र 26 साल से कम है, 26 टू 29 जिनकी उम्र 26 से 29 है, जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच में है, 40 से 49 के बीच में है, और जिनकी उम्र 49 से अबव है. अब अगर हम इसकी बात करें तो जिनकी उम्र जो है वो 26 से कम है, ऐसे जो लोग हैं, ब्लू वाला है दैट इज फॉर करियर. ब्लू लाइन जो है वो करियर वाली है, जो लोग करियर बनाने के लिए पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं. रेड जो है वो उन लोगों की है जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं. तो क्या है, जहां पर हम ब्लू लाइन की बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द पीपल अंडर 26 ऑफ एज आर स्टडिंग. ठीक है, द रीजन फॉर देयर स्टडी इज करियर. सेकंड इज ओनली 10% ऑफ द कैंडिडेट्स और एनी ओनली 10% ऑफ द इंडिविजुअल स्टडी जस्ट फॉर इंटरेस्ट. If we talk about the age group of 26 to 29, 70% of the people adopt for the studies, for the career, whereas only 15% take it for interest. If we talk about 30 to 39, then approximately 57% of the population
adopt the studies for career, whereas approximately 25% of the people opt for interest. Whereas 40 to 49 age group, the interests, both the interests are equal in percentage, that is 40%. If we talk about the elderly people above 49 to the maturity level of age, only 20% of the people go with the career option, but approximately 70% of the people opt only for the interest. ये हो गया आपका first graph. अगर हम आते हैं second graph पे, that means career support जो है, that means जिन लोगों के लिए वो काम करते हैं, employers जो है वो कितनी support करते हैं, जिनकी उम्र 26 से कम है, sorry, just a second. जिनकी उम्र 26 से कम है उनको जो जॉब वाले हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 62 to 65% जो है वो हेल्प करते हैं. जिनकी उम्र 26 टू 29 है उनको सपोर्ट किया जाता है 50%. 30 टू 39 आप बीच में नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे आप. जिनकी उम्र 30 टू 39 है उनको अप्रोक्सीमेटली हेल्प की जाती है 32%. 40 टू 49 उनको जो है वो हेल्प की जाती है अप्रोक्सीमेटली 38%. एंड ओवर 49 ऑफ एज, जिनकी एज जो है वो 49 से ऊपर है, बड़े हैं जो लोग एज में, उनको जो कंपनीज हैं वो हेल्प करती हैं अप्रोक्सीमेटली 45%. नाउ वी आर गोइंग टू सी द रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस टॉपिक. The first graph shows that there are gradual decrease in the study for career reasons with age. Agar hum first graph ki baat kare to ek gradual decrease hai in the study reasons. Theek hai, that means dekhiye pehle itna tha, fir itna aa gaya, fir itna, fir itna, fir itna. That means jo log career ke liye padhte hain wo log age ke sath sath unki tadad kam hoti gayi hai. You can see the blue line, dekhiye pehle badi, फिर उससे छोटी हो गई, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी. आगे क्या कहा है, नियरली 80% ऑफ स्टूडेंट्स अंडर 26% स्टडी फॉर देयर करियर. देखिए 80%, सी द कर्सर, जस्ट अ सेकंड, लेट मी स्टार्ट द टॉर्च. अभी देखिए 80% जो है वो ऐसे लोग हैं जो 26 ईयर से कम है, जो सिर्फ करियर के लिए पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज This percentage gradually declines by 10 to 20% every decade. हर एक decade में, that means हर एक 10 साल बाद जो इतनी इतनी इन्होंने उम्र बताई है, ये जो decreasement है वो होती जा रही है. Only 40% of 40 to 49 olds and 18% of over 49 olds study for career reasons in the late adulthood. तो सिर्फ जो है वो 10% यहाँ पर, 20% यहाँ पर है और 40% यहाँ पर है. सिर्फ ये उम्र के हिसाब से इतने परसेंटेज जो है वो लोगों की रह जाती है, वो लोगों की जो करियर के लिए पढ़ना चाहते हैं. कन्वर्सली द फर्स्ट ग्राफ ऑल्सो शोज दैट स्टडी स्टेमिंग फ्रॉम इंटरेस्ट इंक्रीजेस विद एज. उन्होंने क्या कहा, कहता कि जैसे करियर के लिए जो लोग पढ़ते हैं वो उम्र के हिसाब से पढ़ना बंद कर देते हैं, जो इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं वो उम्र के साथ साथ ज्यादा पढ़ने शुरू कर देते हैं. रेड वाली देखिए, पहले थोड़ी थी, फिर और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और लास्ट में 70% हो गई. ओके अभी क्या कहा है, द परसेंटेज इंक्रीज स्लोली टिल द बिगनिंग ऑफ द फोर्थ डेकेड. परसेंटेज इंक्रीज होनी शुरू हुई फोर्थ डेकेड. फोर्थ डेकेड का मतलब 40 साल के बाद परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई. ठीक है, नेक्स्ट इज However, 70% of over 49 olds study for interest in comparison to 18% studying for career reasons. उसने क्या कहा, कहता है कि अगर हम 40 की एज की बात करें, 49 के अबव की बात करें, तो सिर्फ 18% लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो
करियर के लिए पढ़ते हैं, जिनकी एज 40-50 के करीब है, वो सिर्फ ऐसे हैं 40%, जबकि 70% लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारा सेकेंड ग्राफ। देखिए क्या कहा है उसने सेकेंड ग्राफ में। द सेकेंड ग्राफ शोज दैट एम्प्लॉयर सपोर्ट इज मैक्सिमम। एम्प्लॉयर की सपोर्ट जो है वो मैक्सिमम है फॉर द एज अंडर 26 years। 26 साल के कम जो लोग हैं उनको जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो उनके बॉसेस हैं, वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 60%। इट ड्रॉप्स रैपिडली टू 32% अप टू द थर्ड डेकेड ऑफ लाइफ। जैसे ही उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सपोर्ट कम हो जाती है, 32% रह गई है थर्ड डेकेड में, उसके बाद देन इंक्रीजेज इन लेट अडल्टहुड अप टू अबाउट 44%। 44% जो है वो रह गई है अडल्टहुड में। उसके बाद इट इज अनक्लियर वेदर द एम्प्लॉयर सपोर्ट इज ओनली फॉर करियर फोकस्ड स्टडी, बट द हाइएस्ट लेवल इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु मेनली स्टडी फॉर करियर पर्पजेस। ये क्लियर नहीं है कि ये जो सपोर्ट है वो करियर के लिए दी जा रही है या ये जो सपोर्ट है वो इंटरेस्ट के लिए दी जा रही है, इसमें ये चीज मेंशन नहीं है जो अबव ग्राफ में मेंशन थी। लेकिन जो चीज मेन है वो ये है कि जितनी उम्र कम है उतनी सपोर्ट ज्यादा दी जा रही है। दैट मीन्स हाइएस्ट लेवल इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु मेनली स्टडी फॉर करियर पर्पजेस। दैट मीन्स उनकी एज जो है वो 26 से कम है, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए वो पढ़ रही कम रहे हैं, तो ऐसी जो करियर वाली जो स्टेज है दैट इज 30 से कम वाली एज को सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं। सो दिस इज द रीजन उनकी सपोर्ट जो परसेंटेज है दैट इज अबव 60। नाउ एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। मैम ये वाले टास्क 1 को हम पास्ट में लिखेंगे या प्रेजेंट में? इसको हम प्रेजेंट में लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई भी साल का मेंशन नहीं है। मैम प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल। ओके मैम इंडेफिनिट। मैम वेयर इज द ओवरऑल? वो लास्ट में है, सिर्फ ओवरऑल नहीं लिखा है हमने। इंट्रो नहीं होती मैम इसकी? इंट्रो नहीं होती इसकी? इंट्रो ऊपर है तो भी। इंट्रो है ऊपर, ऊपर है तो ब्रदर चले लड़ना नहीं है आपस में। हां जी और कोई क्वेश्चन? बोलिए जरा। हाँ जी किसी और की कोई क्वेरी? मैम इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं लिखने? हाँ जी क्या नहीं लिखना? अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं शो कर रहे, वो नहीं लिखना? वो हमने लिख दिया, हमने और लैंग्वेज में लिख दिया कि जैसे जैसे जो है वो एज जो है वो बढ़ रही है वैसे ही उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। जरूरी थोड़ी ना है कि यही वर्ड्स लिखने। ओके मैम।